हेलो एंड वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आई एम राहुल और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के बारे में, जो कि क्लास 9th के एनसीईआरटी का सोल्यूशन है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। क्वेश्चन नंबर थर्ड जिसके अंदर हमें वेरीफाई करना है कि क्या ये जीरोज हैं, क्या पॉलिनोमियल्स इंडिकेट अगेंस्ट देम। यानी कि इसको वेरीफाई करने का केवल सिंपल सा तरीका यही है कि x इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री दिया हुआ है ना, इस वैल्यू को इस वाले पॉलिनोमियल्स के अंदर पुट करिए। अगर आपका आंसर जीरो आता है तो आप कह सकते हैं कि x इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री इसका एक सोल्यूशन है। अगर नहीं आता है, इसके अगेंस्ट आता है, तो आप कह सकते हैं कि इसका सोल्यूशन नहीं है। तो वन बाई वन करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फटाफट क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है 3x - 1। अब 3x - 1 दिया हुआ है, यहाँ पे x की वैल्यू माइनस वन अपॉइंट थ्री पहले ही दी हुई है, तो डायरेक्टली मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। जब मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 × -1/3। क्या हो जाएगा, 3 × -1/3 और ये माइनस का 1। यानी कि इस कंडीशन में जब मैं और आगे सॉल्व करूंगा तो 3 से 3 तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1 और यहाँ पर जो है हमारा नंबर प्लस है, सॉरी ये प्लस 1। माइनस 1 प्लस 1 यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो। जैसे ही जीरो आया हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो नंबर है वो इसका एक सोल्यूशन है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चंस के बारे में। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 5x - π दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 5x - π। अब यहाँ पे x की वैल्यू 4/5 दी हुई है, तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं 5 × 4/5 माइनस। अगर पाई की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं 22/7, तो यहाँ पे 5 से 5 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 28 - 22/7। अगर मैं इसको माइनस भी करूँगा तो यहाँ पे 6/7 आएगा, जो कि जीरो नहीं आ रहा है। जब जीरो नहीं आ रहा तो हम क्या कह सकते हैं कि ये इसका सोल्यूशन नहीं है, ये इसके अगेंस्ट है। अब हम बात करते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है, x² - 1। x² - 1 देखिए यहाँ पे दो दिए जा रहे हैं हमारे वैल्यू, पहला 1 दूसरा -1। तो पहले मैं पुट करूँगा इस इक्वेशन में माइनस वन नहीं सबसे पहले प्लस 1 कर लेते हैं। अगर 1 पुट करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1² - 1 यानी कि 0 आएगा। अगर मैं -1 भी पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में तो -1² हो जाएगा और -1 होगा, तो -1² मीन्स व्हाट, -1 × -1 ही हो जाएगा 1, -1 इसमें भी 0। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों ही कंडीशंस के साथ जो ये पॉलिनोमियल है ये इसका सोल्यूशन है। इसी तरीके से मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास जो वैल्यू दी जा रही है वो एक्स की एक बार -1 और 2 दी जा रही है, तो सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है, x + 1। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है x + 1। अब x + 1 दिया हुआ है, दूसरे में दिया हुआ है हमें x - 2। x + 1 और x - 2 दिया हुआ है, इस कंडीशन में हमें करना है क्या है, एक्स की वैल्यू सबसे पहले तो -1 पुट करना है। तो मैं -1 पुट करता हूँ इस पॉलिनोमियल में। जैसे ही -1 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा -1 और ये +1। -1 + 1 और यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट करता हूँ और ये -2 पुट करता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास -0। 0 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे -3 का, हमारे पास आएगा 0। इसी तरीके से इस बार तो मैंने -1 पुट किया है, अब मैं पुट करूँगा 2। यानी कि इस बार हमें क्या पुट करना है, p की वैल्यू 2 पुट करूँगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में देखिए x + 1 दिया हुआ है ना, x + 1 में सबसे पहले तो 2 पुट करूंगा, तो 2 + 1 हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा, 2 - 2। यानी कि इस कंडीशन में हमारे पास हो जाएगा 3 × 0। यहाँ भी 0 आ रहा है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 0 आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 4 भी इसका कंप्लीट सोल्यूशन है, जो पॉलिनोमियल्स हमारे पास दिए जा रहे हैं, यानी कि ये 0 हो जाए, वेरीफाई हो रहा है, यस इट इज़ करेक्ट। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5th के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5th के अंदर हमारे पास दिया हुआ है x² केवल, क्या दिया हुआ है, x² और यहाँ पे केवल एक ही नंबर दिया हुआ है, वो दिया हुआ 0। जब मैं यहाँ पे 0 करूँगा पुट तो आ ही जाएगा 0, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये भी कह सकता हूँ कि ये भी वेरीफाइड है, ये भी इसका एक सोल्यूशन है। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर
सिक्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर सिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, जब आप उसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू जो दी जा रही है ना वो एम में दी जा रही है। जो वैल्यू हमें दी जा रही है वो एम अपॉन एल दी जा रही है, वो हमें दी जा रही है एम अपॉन एल माइनस का एम अपॉन एल पुट करना है। तो पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स के अंदर और इसको सॉल्व करने की कोशिश भी हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सबसे पहले तो हमारे पास एल एक्स प्लस एम दिया हुआ, एल एक्स प्लस एम दिया हुआ। अब देखिए ध्यान से, एक्स की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है यहाँ पे, माइनस एम अपॉन एल, तो एल इंटू माइनस एम अपॉन एल प्लस एम। तो ये एल से तो एल हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एम प्लस एम तो ये हो जाएगा जीरो। यानी इस कंडीशन में भी हम कह सकते हैं कि ये भी इसका सोल्यूशन है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेवन के बारे में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसमें अंडर रूट में वैल्यूज दी जा रही हैं और इन अंडर रूट वाली वैल्यूज को भी सॉल्व करके देखते हैं कि क्या इसका ये सोल्यूशन है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन के बारे में। क्वेश्चन नंबर सेवन में जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज समझ आएगी, 3x² - 1 दिया हुआ, 3x² - 1 दिया हुआ। ध्यान से देखिएगा आप, एक्स स्क्वायर दिया हुआ यानी कि x की वैल्यू एक बार माइनस 1/√3 पुट करना है। तो 3 इंटू पहली कंडीशन में -1/√3 पुट करूंगा, ये इसका स्क्वायर होगा माइनस का 1 पहली कंडीशन। यानी यहाँ पे मैं पहली कंडीशन पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू -1 का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो हो जाएगा -1 × -1 प्लस हो जाएगा √3 × √3। देखिए यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो √3 में जब भी √3 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो इसका आंसर 3 आता है। अगर आप इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इस तरीके से समझिए कि √3 में √3 का अगर मल्टीप्लीकेशन हुआ तो क्या मैं इसे √9 लिख सकता हूँ, और √9 का अगर मैं √ फाइंड आउट करूंगा तो ये किसका स्क्वायर है, 3 का है। तो इस तरीके से 3 आएगा आंसर, दोनों ही तरीके से 3 आएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और माइनस का 1, यानी कि 3 से 3 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। आप अच्छी तरीके से और भी सॉल्यूशंस इसके कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ -1/√3 भी पुट करके देखते हैं तो 3 × 1/√3 का स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा 3 × 1/√3। सेम उसी तरीके से माइनस का 1 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी 0 आएगा, 1 - 1 0 आएगा। यानी इस कंडीशन में भी हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये इसका सोल्यूशन है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसमें कि हमें दिया हुआ है 2x + 1 हमें दिया हुआ है 2x + 1 और यहाँ पे 1/√2 की वैल्यू हमें पुट करनी है। देखिए बहुत सिंपल है, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करूँ तो हमारे पास दिया हुआ है 2x + 1 और यहाँ पे x की वैल्यू हमें पुट करनी है -1/√2 पुट करना है x की वैल्यू। देखिए 2 × x ये दिया हुआ ना, इसकी वैल्यू हमें पुट करनी है -1/√2, यानी x की जगह पे हम -1/√2 रख देंगे प्लस का 1 2 से, तो 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 + 1 ही हो जाएगा 0। इस कंडीशन में भी हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 भी इसका सोल्यूशन है। अगर आप बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हमारे सोल्यूशंस को देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है www.tiwariacademy.com। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो सीरीज, थैंक यू सो मच। आई होप कि वीडियो लेक्चर्स आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप भी अपने दोस्तों को भी इस वीडियो लेक्चर्स को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एट द लास्ट गॉड ब्लेस यू।